नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं इंडिया में। जी हाँ साथियों, इंडिया में लोग इतना मतलब लोगों को या तो हो सकता है मानसिक सोच की बदलाव होने की जरूरत है। बता दूं, 10वीं पास, आपको पता है आज से 5 साल पहले एक ट्रेंड चला था मोदी सरकार में। 2014 में सरकार चेंज आई थी कि इमिग्रेशन में लोगों की वहां पे विदेशों में शोषण होता है, गल्फ कंट्रीज में, आप सबको पता ही है। इस शोषण को रोकने के लिए, आप लोगों के फायदे के लिए एक सिस्टम बनाया गया था कि भाई इमिग्रेशन के यहाँ से इंडिया में आपके पासपोर्ट में इमिग्रेशन हुए होने के बिना आप विदेश नहीं जा सकते। जी हाँ, तो उसमें लोगों के माइंड में घुस गया कि 10वीं पास, आपको पता, आपने भी सुना होगा, अभी भी बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, कॉल आते हैं कि सर मैं 10वीं पास नहीं हूँ, क्या मैं विदेश जा सकता हूँ। तो इस चक्कर में लोगों की थोड़ी मानसिक सोच छोटी होने की वजह से, पता नहीं होने की वजह से, लोग कुछ गलत कदम उठा लेते हैं यहाँ। जी हाँ साथियों, यहाँ पे एक माजरा आया कि एक बंदा पंजाब का 10वीं पास नहीं था। जी हाँ, और उसने उस 10वीं पास नहीं होने को बड़ा रीजन मानते हुए उसने पासपोर्ट बनवाना था 10वीं पास का। अब 10वीं पास का मार्कशीट नहीं है तो भाई पासपोर्ट कैसे बनेगा। तो उस बंदे ने इतना भयंकर खेल खेला कि दो पासपोर्ट बना डाले, अपनी अपने खुद के दो पासपोर्ट अलग अलग डेट के। जी हाँ, पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि गल्फ कंट्री से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। विदेश जाने के लिए बंदे ने 10वीं का जाली सर्टिफिकेट तैयार कर लिया। यानी 10वीं का आपको पता है मार्कशीट होती है, उसमें डेट ऑफ बर्थ मान्य होती है, आपको पता है हर जगह वही लगती है, और पासपोर्ट में इंपॉर्टेंट पार्ट होता है 10वीं पास मार्कशीट का, उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है, उसके हिसाब से आपका इमिग्रेशन पासपोर्ट बनता है 10वीं पास का, जिसमें आपको इमिग्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती है, सीधा वीजा आपका लग सकता है और आप विदेश जा सकते हो। इस बंदे ने मार्कशीट दो, जी हाँ साथियों, जाली मार्कशीट तैयार कर उसमें दो मार्कशीट बनवाई, दोनों में डेट ऑफ बर्थ अलग अलग कर ली। जी हाँ, बंदा है जो बता दूं प्राइवेट नौकरी करता था, 10वीं पास नहीं होने की वजह से विदेश जाना चाह रहा था, लेकिन 10वीं पास नहीं था तो विदेश कैसे जाए, उसके माइंड में ये बात डल चुकी थी। हालांकि आपको भी पता है भाई, 10वीं पास नहीं होते क्या वो विदेश नहीं जाते, वो जाते हैं, लेकिन कुछ गलती होने की वजह से गलत कदम उठा लेते हैं। जी हाँ, तो उसने क्या किया, फिर एक मार्कशीट बनवाया 10वीं पास का, उसमें 24/9/2080, जी हाँ सर, 24/9/1980 की डेट ऑफ बर्थ डाल ली। सेकंड जो बनवाया उसमें 24/9/1978 की डेट डाल ली। जी हाँ साथियों, दोनों डेटों में अलग अलग पासपोर्ट बनवा लिए, दो पासपोर्ट बनवा लिए बंदे ने। फिर सेकंड जो पहला पासपोर्ट तो बन गया, कोई दिक्कत इतना आया नहीं, लेकिन सेकंड पासपोर्ट जब बना, आपको पता है 10वीं की मार्कशीट नकली थी, सेकंड पासपोर्ट बना तो उसकी फिर जांच हुई, जांच में पता चला कि ये फर्जी है, फेक है, तो फिर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की गई। अभी मुकदमा दर्ज हो चुका है, बंदा आगे है, पुलिस पीछे है। जी हाँ, रीजनल पुलिस अधिकारी ने उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज करवाया, अभी पुलिस उसकी जांच कर रही है, लेकिन बंदा पुलिस के हाथ नहीं आ रहा है, फरार बताया जा रहा है। जी हाँ, अब पुलिस को जांच इस बात की करनी है, वो तो हो गया, लेकिन जांच इस बात की करनी है, क्या एक अकेला 10वीं अनपढ़ आदमी पासपोर्ट बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता, उसके हाथ में और भी उसके साथ में लोग हैं, जरूर उसने किसी को, अधिकारियों को मोटा पैसा दिया है, इसलिए उनका जो 10वीं का मार्कशीट फर्जी बना है उसी के आधार पे पूरा बना है। तो ये मार्कशीट कहाँ से बनवाई, अगर वो हाथ लगेगा पुलिस के तो पुलिस उससे पूरी छानबीन करेगी और उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होगा जो उनको 10वीं का जाली मार्कशीट दिया है। तो भाई आप लोग जो रिक्वेस्ट है, वीडियो देख रहे हैं, लोगों को शेयर कर दीजिए, साथ वालों को भी आप बता सकते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है, अगर आप 10th पास नहीं है तो भी आपका पासपोर्ट बन जाएगा, अगर आप विदेश जा सकते हैं, इसलिए गलती न करें। और ये सबसे बड़ा जुर्म होता है, मुकदमा लगता है, भयंकर धाराएं लगती हैं, फिर लंबे टाइम तक आपको अंदर, यानी ये पासपोर्ट बनाना एक तरह से देशद्रोह, यानी देश का मामला हो गया ना फिर, ऐसे तो कोई बना लेगा पासपोर्ट, अगर इस तरह से बनने लगे तो आतंकवादी आके इंडिया में पासपोर्ट बना लेंगे, ये गलत बात है, भयंकर धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा, लंबे टाइम के लिए जेल में रहना पड़ सकता है। तो आप इन चीजों से अवॉइड करें, बचे, सतर्क रहें, साथ वालों को भी जरूर आप शेयर करें बातें, ताकि ये गलत फहमी न पाले कि 10वीं पास जो बंदा नहीं है विदेश जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है, लेकिन ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। ये जानकारी बस इतनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।